देखिए मैं इनसे बात कर रहा था तो थोड़ा जज्बाती हो गया बातचीत, लेकिन इसमें आप ये समझिए कि 1948 में जब, जैसा मैंने बताया कि सेनाओं को पूरी मदद नहीं दी गई, और 57 में कृष्णा मेनन ने वहां पे बोला यूएन असेंबली में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि हम जो है मॉरल, हाई मॉरलिटी को रखते हुए हमने अपनी जीती हुई सेना को रोका। हमने 60 में उनको इंडस वाटर ट्रीटी दी जो कि उनके फायदेमंद है। 62 में हम हार गए क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं हुई एयरफोर्स को एम्प्लॉय करने की, जवानों के पास जूते नहीं थे, हथियार नहीं थे, क्योंकि हम विश्व के एक लीडर बनना चाहते थे, हम बहुत शांतिप्रिय हैं, गांधीवादी और गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग थे। 65 की जंग में हमने हाजी पीर जीता, लेकिन हमने टेबल पे उसको वापस दे दिया, और 71 की लड़ाई में हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने पास रखे, और हमारे सिर्फ 58 प्रिजनर ऑफ वॉर थे पाकिस्तान में, हम वो नहीं लेके आ पाए। पीओके वहां का वही है, शिमला समझौता कर लिया जिसको उसने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। और कांग्रेस ही नहीं, नेहरूवियन मानसिकता से वाजपेयी भी ग्रस्त थे। वाजपेयी ने 1999 की जो कारगिल का युद्ध जो लड़ा, उसमें उन्होंने सेनाओं के हाथ बांध दिए, सेनाओं को बोला कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं पार करेंगे, जबकि वो एक बेहतरीन मौका था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते, उसके जो आतंकवादी जो नर्व सेंटर्स हैं, जो उसके जो इंस्टॉलेशन हैं, उनको हम बर्बाद कर सकते। तो ये सारे लोग मिलके इसमें शामिल हैं। आज की तारीख में मैं ये कहता, ऐसा मेरे को लगता है कि शायद हम नेहरूवियन बेड़ियों से बाहर निकल गए हैं, उस जो जेल है उससे हम बाहर निकल गए हैं शायद।